संडे एक ऐसा दिन जो शांति से गूंजता है। यह दिन हमें एक मौका देता है कि हम अपनी तेज तर्रार जिंदगी से कुछ पल निकालकर सुकून के कुछ क्षण बिता सकें। एक ऐसा दिन जब जीवन की भागम भाग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। यह दिन हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। परिवार के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए और सिंपल खुशियों के लिए एक दिन। यह दिन हमें अपने शौक और रुचियों को पूरा करने का भी मौका देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संडे इतना खास क्यों है? यह दिन हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का भी अवसर देता है। आराम का यह दिन हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया? यह दिन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से पुनः ऊर्जावान होने का मौका देता है। ये ऐसे संडे के दिलचस्प इतिहास को खंगालता है। इसके सफर को पुराने धार्मिक रीति रिवाजों से लेकर आज के दौर में इसके महत्व तक। यह जानना रोचक होगा कि कैसे यह दिन समय के साथ बदलता गया। हम ये जानेंगे कि सदियों से संडे कैसे एक धार्मिक दिन से बदलकर आराम और मनोरंजन के दिन में बदल गया, जिसे दुनिया भर में बहुत से लोग पसंद करते हैं। यह दिन अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। हमारे साथ जुड़िए और जानिए संडे की शुरुआत, अलग अलग दौर में इसका विकास और आज हमारी जिंदगी में इसकी खास अहमियत। यह का दिन हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का अवसर देता है। आइए समय के साथ एक सफर पर निकलते हैं और उस दिन के महत्व को फिर से खोजते हैं जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और विश्राम कितना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए एक दिन तय करने का विचार कोई नया नहीं है। ये उन धर्मों से भी पहले का है जिन्हें हम आज जानते हैं। प्राचीन सभ्यताएं आराम के दिन मनाती थी, जो अक्सर आकाशीय घटनाओं और खेती के समय से जुड़े होते थे। हफ्ते में एक दिन आराम करने का सबसे पहला लिखित उदाहरण प्राचीन बेबीलोन से मिलता है, जहां सातवां दिन चंद्र देवता सिन को समर्पित था। इस दिन अनुष्ठान किए जाते थे और कुछ काम करने की मनाही होती थी। इसी तरह प्राचीन मिस्रवासी हफ्ते के पहले दिन को सूर्य देवता रा को समर्पित करते थे। माना जाता था कि ये दिन शुभ होता है और इसे उत्सव और प्रसाद के साथ मनाया जाता था। ये प्राचीन रीति रिवाज हालांकि अपने अनुष्ठानों में अलग थे, लेकिन एक सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता को उजागर करते हैं, रोजमर्रा की भागम भाग से एक नियमित विराम। अपने विशाल प्रभाव के लिए जाना जाने वाला रोमन साम्राज्य आधुनिक साप्ताहिक चक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। रोमन शुरू में 8 दिवसीय बाजार चक्र का पालन करते थे, जिसमें हर 8वें दिन आराम और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निर्धारित किया जाता था। हालांकि रोमन सेना में एक लोकप्रिय धर्म मित्रवाद के उदय के साथ सूर्य पूजा के लिए एक समर्पित दिन की अवधारणा प्रमुखता से उभरी। फारसी पौराणिक कथाओं में अपनी जड़ों वाला मित्रवाद प्रकाश और सत्य के देवता मिथ्रास का सम्मान करता था, जिसे अक्सर सूर्य से जोड़ा जाता था। मिथ्रास को समर्पित दिन डाइस सोलिस, सूर्य का दिन, धीरे धीरे रोमन आबादी के बीच लोकप्रियता हासिल करता गया। इसने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिससे संडे को हफ्ते के एक प्रमुख दिन के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 4, ईसाई विश्राम का दिन, पूजा का दिन। यह दिन, जिसे संडे के नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। ईसाई धर्म के आगमन के साथ संडे की कहानी एक और मोड़ लेती है। प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने इस दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना। शुरुआती ईसाई, जो शुरू में यहूदी धर्मांतरित थे, शनिवार को यहूदी विश्राम के दिन का पालन करते रहे। यहूदी धर्म में शनिवार को शब्बत के रूप में मनाया जाता था, जो आराम और पूजा का दिन था। हालांकि उन्होंने
ईसा मसीह के पुनरुत्थान को मनाने के लिए हफ्ते के पहले दिन संडे को सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। यह दिन, जिसे प्रभु के दिन के रूप में जाना जाता है, धीरे धीरे ईसाई धर्म का केंद्र बन गया। संडे को चर्च में सामूहिक प्रार्थना और पूजा का आयोजन किया जाने लगा। जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, संडे की पूजा तेजी से आम होती गई और अंततः यहूदी विश्राम के दिन को पीछे छोड़ दिया। विभिन्न समुदायों ने इसे अपनाया और इसे अपने धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। 321 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, ने आधिकारिक तौर पर पूरे रोमन साम्राज्य में रविवार को आराम के दिन के रूप में घोषित किया। यह निर्णय ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस फरमान ने संडे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। धार्मिक महत्व और सार्वजनिक पालन के दिन के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया। इस दिन को अब न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। आज संडे को दुनिया भर में ईसाई समुदायों द्वारा पूजा और विश्राम के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन एकता, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गया है। संडे न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आराम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार संडे का दिन, जो कभी यहूदी शब्बत से प्रेरित था, अब एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। यह दिन हमें हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भाग 5, औद्योगिक युग में रविवार मजदूरों के लिए समय। औद्योगिक क्रांति, अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तन का काल काम के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। कारखाने दिन रात चलते थे, मजदूरों से लंबे समय तक काम करने की मांग करते थे, अक्सर बहुत कम या बिना आराम के। संडे अपने धार्मिक महत्व के बावजूद औद्योगिक जीवन की भीषण मांगों से कई श्रमिकों के लिए एकमात्र राहत बन गया। इसने आराम, कायाकल्प और परिवार के साथ समय बिताने का एक बहुत ही आवश्यक अवसर प्रदान किया। हालांकि इस अवधि में श्रमिकों के अधिकारों, जिसमें आराम के नियमित दिन का अधिकार भी शामिल है, के लिए बढ़ती मांगें भी देखी गईं। संडे पहले से ही सामाजिक ताने बाने में राहत के दिन के रूप में समाया हुआ था। बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए जोर दे रहे श्रमिक आंदोलनों का केंद्र बिंदु बन गया। भाग 6, खाली समय के लिए लड़ाई, मजदूर संघ और संडे कानून। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत मजदूर संघों का उदय हुआ, जिसमें हफ्ते में एक दिन आराम का अधिकार भी शामिल था। ये संघ न केवल बेहतर वेतन और काम करने की स्थितियों के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वे श्रमिकों के लिए एक संतुलित जीवन की भी मांग कर रहे थे। जिसमें हफ्ते में एक दिन आराम का अधिकार भी शामिल था। यह अधिकार न केवल शारीरिक थकान को कम करने के लिए था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये यूनियनें संडे के महत्व को न केवल एक धार्मिक पालन के रूप में, बल्कि कार्यकर्ता की भलाई और सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पहचानती थी। संडे को आराम का दिन मानने से श्रमिकों को अपने परिवार के साथ समय बिताने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता था। उनके प्रयासों से संडे को बंद करने वाले कानूनों को लागू किया गया, जिन्हें आमतौर पर ब्लू लॉज के रूप में जाना जाता है। ये कानून न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवश्यक थे, जिन्हें आमतौर पर ब्लू लॉज के रूप में जाना जाता है। इन कानूनों ने सुनिश्चित किया कि रविवार को अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहें, जिससे श्रमिकों को एक निश्चित आराम का दिन मिल सके। ये कानून, जबकि अक्सर धार्मिक आदर्शों में निहित होते हैं,
ने रविवार को व्यावसायिक गतिविधि को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया, जिससे श्रमिकों के लिए आराम का दिन सुनिश्चित हुआ। ने रविवार को व्यावसायिक गतिविधि को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया, जिससे श्रमिकों के लिए आराम का दिन सुनिश्चित हुआ। यह न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी लाभकारी था, जिससे श्रमिकों के लिए आराम का दिन सुनिश्चित हुआ। यह दिन श्रमिकों को अपने परिवार के साथ समय बिताने, आराम करने और अपने शौक पूरे करने का अवसर देता था। एक कानूनी आराम के दिन के रूप में संडे की स्थापना श्रमिक आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जो कार्य जीवन संतुलन के महत्व और श्रमिकों के उचित और मानवीय व्यवहार के अधिकारों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जीत न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जो कार्य जीवन संतुलन के महत्व और श्रमिकों के उचित और मानवीय व्यवहार के अधिकारों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों को न केवल काम करने के लिए बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए भी समय मिले।